तो भाई टाटा नेक्सोन की इतने सक्सेसफुल लॉन्च के बाद जब टिगोर मार्केट में आई तो भाई मीडिया में उसका बहुत ज़्यादा हाइप बना, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी लोगों को। और जैसे कि आज 31 अगस्त को प्रॉपर लॉन्च इसका होने जाने वाला था, उससे पहले ही ये शोरूम में अवेलेबल हो गई थी और गाड़ी हमें देखने को मिल गई थी। बिल्कुल सेम एज इट इज़ दिखती है, जैसे कि पेट्रोल या फिर डीजल वाले वेरियंट्स आते हैं या फिर जो पहले वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला मॉडल आता है टाटा की टिगोर का, बिल्कुल सेम स्पेस है और सेम जैसे दिखती है। लेकिन जो फ़र्क था वो था बैटरी का। जो पुरानी इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली टिगोर की अगर बात करें तो उसमें बैटरी पैक छोटा था, उसमें डिफरेंट था और उसकी रेंज जो है बहुत कम थी, 70 से 80 किलोमीटर तक ही चलती थी। लॉन्च को देखते हुए जब हमें ये पता चला कि टाटा नेक्सोन की जो जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली, वही सेम उठा के हमें टिगोर में देखने को मिलेगी, यही था मीडिया में बहुत हाइप था, बहुत ही क्यूरियोसिटी थी कि इसकी रेंज कितने रहने वाली है, इसकी प्राइसिंग क्या रहेगी। ऑफकोर्स टाटा नेक्सोन से तो बहुत कम रहने वाले की उम्मीद थी हमें, बट प्राइसिंग पे भी अभी आएंगे। सबसे पहले इसकी जो हाइप थी वो थी इसकी रेंज। रेंज जैसे कि पता है आप लोगों को, एक कमर्शियल व्हीकल के तौर पे यूज़ करी जाती थी जिसकी रेंज 70 से 80 किलोमीटर तक ही जाती थी। लेकिन अब जो 26 किलोवाट वाली जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी की जो बैटरी है सेम नेक्सोन वाली उठा करके टिगोर में डाल दी गई है, तो जो इसकी रेंज थी 70-80 किलोमीटर की वो बढ़कर अब 300 किलोमीटर तक की हो गई है, जैसे कि आज लॉन्च पे हमें सुनने को मिला है। तो भाई बहुत ही खुशी की बात है कि छोटी कार है और 300 किलोमीटर तक चलेगी एक फुल चार्ज में, और रनिंग कॉस्ट जो है 1 रुपया पर किलोमीटर तक की पड़ेगी। तो सारी अच्छी अच्छी बातें थी। एक चीज़ जिसकी सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी, जिसकी सबसे ज़्यादा हमें वेट था, वो था इसका प्राइस। जैसे कि टाटा नेक्सोन भाई 14 लाख से स्टार्ट हो जाती है इलेक्ट्रिक व्हीकल की, मैं पर्टिकुलरली बात करूँगा, तो यही उम्मीद थी कि 9-9.5-10 लाख रुपये तक की हमें टिगोर जो है देखने को मिल जाएगी मार्केट के अंदर। लेकिन भाई प्राइस इतना शॉकिंग है, इतना शॉकिंग है, मैं आपको बता देता हूँ, 12 लाख रुपये से इसका बेस मॉडल स्टार्ट होता है। 12 लाख से इसका बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है जो कि XE वेरिएंट है भाई, और 14 लाख से टाटा नेक्सोन का जो है बेस वेरिएंट स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि 30 किलोवाट की बैटरी मिलती है और अच्छी खासी रनिंग भी उसमें मिल जाती है। और सबसे जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसकी सेफ्टी, 5-स्टार रेटिंग के साथ जो है टाटा नेक्सोन आती है। मैं टाटा नेक्सोन से टाटा टिगोर को क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, हालांकि इनका सेगमेंट भी अलग है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि दोनों ही इलेक्ट्रिक व्हीकल है और मार्केट में कम प्राइस में, यानी कि जैसे आपको पता है कोना आती है और ZS EV आती है, उनकी जो प्राइसिंग है 20 लाख से ऊपर की है। हमें चाहिए थी एक कम बजट वाली गाड़ी, यानी कि एक अफोर्डेबल गाड़ी। 14 लाख रुपए की रेंज में तो ऑलरेडी हमारे पास नेक्सोन है ही, हमें जो उम्मीद थी 10 लाख रुपए के रेंज में आ जाएगी, लेकिन भाई 12 लाख से स्टार्ट होती है, जो कि प्राइस मुझे पर्सनली लगता है कि हमारी अफोर्डेबिलिटी जो हम मान रहे थे कि भाई 9-10 लाख रुपये में आ जाएगी, वो नहीं आई है। गाड़ी महंगी है, ऑफकोर्स महंगी है, 13-14 लाख के बजट में तो हमारे पास टाटा नेक्सोन थी ही, अभी इन्होंने 12 लाख रुपए में टिगोर को लॉन्च कर दिया है, तो इतनी ज़्यादा खुशी नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, अब सिर्फ ये क्वेश्चन बचता है कि किसको ये टिगोर लेनी चाहिए, जिसकी रनिंग 250-350 किलोमीटर की डेली है ना, पर डे की जो रनिंग है वो 250-350 किलोमीटर तक की है, वो बेशक से जा सकता है टिगोर पे, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इसको लेना एक सेंसिबल डिसीजन होगा ओवर नेक्सोन। हमारे पास नेक्सोन 5-स्टार रेटिंग वाली फुल स्पेसियस और एक माचो लुकिंग गाड़ी है, क्यों ना हम उसी की तरफ जाएं, 2 लाख रुपए की तरफ तो फिर क्या ही देखना है। इसके अंदर एक पोर्स इंटीरियर, अच्छी लुक वाली और मस्कुलर गाड़ी हमें मिलती है। तो आप भी कमेंट्स में मेरे को ये जरूर बताइए कि 12 लाख रुपए में आप टिगोर की तरफ जाएंगे या फिर 14 लाख रुपए में आप टाटा नेक्सोन की तरफ जाएंगे। 2 लाख रुपए के डिफरेंस के अंदर आपको इतनी मस्कुलर, इतनी स्पेशियस और 5-स्टार रेटिंग वाली गाड़ी मिल जाती है, तो आपका क्या डिसीजन रहेगा कमेंट्स में मुझे लिख के जरूर बताइएगा। तो ये थी आज की वीडियो, अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहती है।